A very warm good morning everyone. How are you? Everybody fine? I'm Ruchi Gupta, your EBS teacher. Children, we will read Playing is Fun. Which lesson? Playing is Fun. खेलने में बहुत मज़ा है, ठीक है। हमने इसमें टू चीज थिंग्स पढ़ी थी, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। गेम्स कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आउटडोर और इंडोर। आउटडोर गेम्स क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, साइकिलिंग करते हैं हम सब, स्कीपिंग, ये सारे गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स। रिपीट अगेन, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड साइकिलिंग आर प्लेड ऑन अ ग्राउंड और अ कोर्ट आउटसाइड द हाउस। सच गेम्स आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे आउटडोर गेम्स। सेकेंड थिंग है इंडोर गेम्स। विच वन इज इंडोर गेम्स? इंडोर गेम्स इज लाइक चेस, लूडो, कैरम आर प्लेइंग इनसाइड। ये कहाँ खेले जाते हैं? अंदर खेले जाते हैं। प्लेइंग इनसाइड गेम्स इलेक्ट्रॉनिक कार्स एंड प्ले स्टेशन। प्ले स्टेशंस आर ऑल्सो पॉपुलर इंडोर गेम्स। ये सारे क्या हैं हमारे इंडोर गेम। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कार चलाते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो, कैरम या इस तरीके के जो भी गेम खेलते हैं वो क्या होते हैं, जो हम घर के अंदर खेलते हैं वो इंडोर गेम्स। तो डिफरेंस क्या है आउटडोर और इनडोर। इन मींस अंदर, मतलब डोर के अंदर, घर के अंदर खेले गए गेम। आउटडोर, आउट मींस बाहर, घर के बाहर खेले गए गेम्स। टीम गेम्स, टीम गेम्स कौन कौन से होते हैं जो हम टीम के साथ में खेल सकते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये है टीम गेम। ये हम अकेले नहीं खेल सकते, इसे टीम बनाई जाती है कि इतने मेंबर्स की ये एक टीम बन गई और इतने मेंबर्स की सेकंड टीम बन गई और फिर हम इन गेम्स को खेलते हैं। गेम इन द पास्ट, जो पहले के गेम्स थे, पहले क्या होता था, हम लोगों की तरह टेलीविज़न और मोबाइल गेम, वीडियो गेम इनमें नहीं लगे रहते थे। हमारे दादा दादी या मम्मी पापा वो लोग क्या करते थे, बहुत रन करते थे, बहुत खेलते थे और इनको खेलने से क्या होता था, वो हेल्दियर बनते थे, उनका स्टेमिना बढ़ता था। वो किस तरह के गेम खेलते थे, स्कीपिंग, कबड्डी, सेवन टाइज बोलते हैं बेटा पिट्ठू, जो हम सकरात पर भी खेलते हैं, हाइड एंड सीक, आँख मिचोनी, हाइड एंड सीक, आँख मिचोनी खेलते हैं ना हम लोग। तो इस तरीके के गेम वो लोग खेलते थे जिससे वो बहुत हेल्दी बनते थे और उनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता था। इसीलिए आपने देखा है दादा दादी या मम्मी पापा बहुत सारा वर्क करके भी जल्दी से टायर्ड नहीं होते और उनके अंदर बहुत स्टेमिना होता है वर्क करने का। लेकिन आप लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा वर्क करके टायर्ड हो जाते हो। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि हम लोग फिज़िकली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम लोग बैठे बैठे वाले गेम खेलते हैं, इससे हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं बन पाती। और अगर हम आउटडोर गेम खेलेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी क्योंकि हम रन करेंगे तो हमें बहुत सारी एक्सरसाइज होने लगती है हमारी बॉडी की ऑटोमेटिकली। क्लियर? एंड सम गेम्स डू टू वर्क, कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो वर्क होता है इनसे। गेम इज वर्क फॉर सम। इसमें क्या होता है बेटा, अ गेम प्लेड फॉर फन और टू अर्न मनी कंपटीशन इज कॉल्ड स्पोर्ट। जो गेम कंपटीशंस के लिए, मस्ती के लिए खेले जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स। और जो इस तरह के गेम खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन कुछ लोग अर्न मनी भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, किससे, बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट, खेल करके। इट इज़ देयर ऑक्यूपेशन। ये क्या होता है, उनका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मैं समझा चुकी हूँ, उनका काम होता है जिससे वो मनी अर्न करते हैं।
सम स्पोर्ट्स डेट पीपल प्ले प्रोफेशनली, कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो प्रोफेशनली सिखाते हैं। आपने देखा है, मैं आपको ये सारा कुछ करवा चुकी हूँ, एंड वी रिपीट अगेन, ओके। बार बार मैम इसीलिए रिपीट करवाते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, हमें रटना नहीं है, इसको माइंड में सेट करना है, क्लियर। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, आपने देखा है, आप जाते हैं ये स्टेडियम जाते हैं, आरआर कॉलेज में जाते हैं, अपने अलवर में ही हैं, तो यहाँ पर जाकर कोच से सीखते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बेसबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, विस्टाइल, पोलो, ब्लार्ड्स, स्नूकर, आर्ची, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, ये बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं कि हम लोग कोच से जा कर के सीखते हैं ताकि हम इसमें और आगे बढ़ें। और कोच हमें फ्री में नहीं सिखाते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं, मनी, एंड दे अर्न मनी, वो उससे पैसा कमाते हैं, क्लियर। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैम ने वापस भी आपको रिवीजन करवा दिया है एक बार। अब अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम ने आपको ये एक्सरसाइज भी करवाई है कि ब्लार्ड्स में कौन है, ये सारा एक्सरसाइज मैम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी बुक फिल कर लीजिएगा और इनको लर्न भी कीजिएगा, ओके। ये वाला भी हम कर चुके हैं, एंड दिस वन ऑल्सो वी डू इट। और ये मैम ने आपको होमवर्क दिया था, इंडोर और आउटडोर, इट्स अ वेरी सिंपल। इंडोर बता चुके हैं मैम अभी कौन कौन, लूडो, चेस, कैरम, स्नेक एंड लेजर, तो ये हम इंडोर गेम्स में लिख सकते हैं। आउटडोर में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड कबड्डी, ये स्कीपिंग, ये साइकिलिंग, बहुत सारे गेम हैं इस तरीके से जो हम यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट थिंग बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। व्हाट वी डू, क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर लेसन 4। देखिए, सी हियर, कौन सा है ये हमारा लेसन 4। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डेट, देन यू राइट क्लास वर्क, नेक्स्ट लाइन यू राइट लेसन 4। ओके, मैं आपको एक बार लिखकर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, एक मैं रफली आपको दिखा देती हूँ। आपको मैम वैसे काफ़ी बार बता चुके हैं, हमें यहाँ पर डेट मेंशन करनी होती है, सबसे पहले 23/07/2020, देन यू राइट हियर क्लास वर्क, ओके, देन यू राइट हियर लेसन 4। व्हाट्स द नेम ऑफ लेसन 4, प्लेइंग इज फन, प्लेइंग इज फन, सो वी राइट हियर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इज फन, FUN, ओके। अब आप यहाँ राइट करेंगे क्वेश्चन आंसर, इससे आपको पता रहेगा कि हमारा कौन सा लेसन है, क्वेश्चन आंसर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपके रिकॉर्ड में रहेंगी, क्लियर। ओके, सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्ले गेम्स, ये क्यों ज़रूरी है कि हमें गेम खेलनी चाहेंगी। सी हियर, पेज नंबर 19, प्लेइंग गेम्स इज इम्पॉर्टेंट, ओके। फर्स्ट इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, देन इट को कट करके टू, कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव, इट गिव्स अस एनर्जी टू कंप्लीट आवर वर्क, क्लियर। यहाँ तक मार्क करेंगे, ये हमारा आंसर 1 है, दिस वन इज आवर आंसर 1, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर गेम्स वर्क फॉर सम पीपल, गेम कैसे कुछ लोगों के लिए काम होते हैं। सी हियर, पीपल अर्न मनी, लोग जिससे पैसा कमाते हैं बाय प्लेइंग अ स्पोर्ट, इट इज़ देयर
ऑक्यूपेशन, ये उनके क्या होते हैं, ऑक्यूपेशन। सम स्पोर्ट्स डैट पीपल प्ले प्रोफेशनली आर, अब इनमें से कुछ भी, ज़रूरी नहीं इतने सारे राइट करना आपको, कोई भी 2-3 गेम्स आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने चलो यहीं तक लिख लिया, ओके, बैडमिंटन, क्लियर। तो कुछ गेम जिन वो उनके ऑक्यूपेशन होते हैं जिससे वो मनी अर्न करते हैं, वो प्रोफेशनली होते हैं, बोलो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इस तरीके से सिखा के वो मनी अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यू स्पेंड योर लेजर टाइम वॉचिंग टेलीविज़न एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इनसाइड द हाउस, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या आप अपना खाली समय, लेजर मीन्स, व्हाट इज़ द मीन ऑफ लेजर, लेजर मीन्स खाली समय, क्या आप अपना खाली समय टेलीविज़न और कंप्यूटर गेम्स खेलने में निकालते हैं? तो भाई जो यस है वो ठीक है, अदरवाइज नो, नो नहीं। किससे पूछा है, हमसे, तो आई शुड यू को कट करेंगे, नॉट स्पेंड, इन्होंने पूछा है योर मीन्स आप, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम, तो हम यहाँ राइट करेंगे आर लेजर टाइम वॉचिंग टेलीविज़न एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इनसाइड द हाउस बिकॉज क्यों नहीं करते हम स्पेंड, आई लाइक आउटडोर गेम्स, हमें आउटडोर गेम्स पसंद है, क्योंकि मुझे आउटडोर गेम्स पसंद हैं, एंड दे कीप मी फ्रेश एंड एक्टिव, और वो मुझे फ्रेश और एक्टिव बना के रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वर द गेम्स डैट यू ग्रांड पेरेंट दैट योर ग्रांड पेरेंट्स प्लेड डिफरेंट फ्रॉम द वंस यू प्ले टुडे। इसमें हम आंसर लिखेंगे द गेम, देखिए अंडरलाइन कर देते हैं मैम, द गेम, फिर वर लिखेंगे, द गेम्स वर डैट यू की जगह आई, वो सॉरी माय ग्रैंड पेरेंट्स प्लेड डिफरेंट फ्रॉम द वंस